नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं को लेकर, आप सभी की परीक्षाओं को लेकर, जिन स्टूडेंट की परीक्षाएं चल रही है और जिन स्टूडेंट की परीक्षाएं होने वाली है, आप सभी के लिए आज का ये अपडेट बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो पर पैसेंस बनाकर आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप में से कोई भी फर्स्ट बार चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसी अपडेट सबसे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज की अपडेट आप सभी को मैं बता दूं, ये मतलब कि बांदीकुई की तरफ से आ रही है। यहाँ पर जैसे एक तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो भी द्वितीय वर्ष की स्टूडेंट है, आपको मतलब कि दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको अपने एग्जाम देने में दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आपको वहां पर आ रही है दोस्तों। जैसा कि पहले बोला गया था कि आपको प्रोविजनल प्रमोशन दे दिया गया है, इसी की वजह से जो स्टूडेंट है, जो भी सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, वो फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं हैं या उनके जो पढ़ाई है, पढ़ाई में व्यस्त हो गए, उनकी परीक्षाओं की तैयारियां करने लगे या पढ़ाई करने लग गए, तो इसी की वजह से उनको ज्यादा दिक्कत आ रही है अपनी पढ़ाई करने में। साथ ही में बात करूं दोस्तों, यहां पर देख सकते हो आपको अपनी फोन की स्क्रीन पर ये अपडेट्स हो जाएगा। जैसे जुलाई में कॉलेज में सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए 900 विद्यार्थियों को अब 15 से देनी होगी परीक्षा। और साथ में कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के आदेश से छात्र छात्राएं सर्दी में फिर से पढ़ाई की तैयारी में जुटे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट जैसे मैंने बता दिया बांदीकुई की तरफ से आ रही है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हो दोस्तों, राइट में नीचे कॉर्नर पर, तो यहाँ पर जो प्रोफेसर है सुनीता विजय, जो प्राचार्य है राजेश पायलट राजकीय कॉलेज बांदीकुई की, उन्होंने बताया कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में हमने अस्थायी रूप से प्रमोट किया था, अब परीक्षा के निर्देश मिले हैं, ऐसे में अब जो परीक्षा में पास होगा वही अगली कक्षा में बैठेगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आपको अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस करना है और आपको एक तरह से मान लेना कि आपकी परीक्षाएं कंफर्म होने वाली है। आपको मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि आपकी परीक्षाएं नहीं होंगी। जो भी मतलब कि कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो आपको मतलब कि भ्रमित भी कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर की परीक्षा नहीं होने वाली है, कि उनको प्रमोट किया जाएगा, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा आपकी परीक्षा 100% होने वाली है। और ज्यादातर यूनिवर्सिटी है उनकी परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो चुकी है, साथ में टाइम टेबल जारी हो चुका है। और कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी बची हुई है जिनकी परीक्षा हुई थी, अभी भी घोषित नहीं हुई है। जैसे एग्जांपल के लिए मान सकते हो आप मत्स्य यूनिवर्सिटी, जिसकी परीक्षा हुई थी जल्दी ही घोषित कर दी जाएगी, चाहे इस वीक में करे चाहे नेक्स्ट वीक में करे। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, जो बच्चों को परीक्षा तैयारी के लिए मिलेंगे सिर्फ 15 दिन। और एक बड़ी अपडेट ये है दोस्तों, अगर आपकी परीक्षा कभी भी करवाई जाए, जैसे अक्टूबर में मान लीजिए, सितंबर एंडिंग तक मान लीजिए आपकी परीक्षा कभी भी करवाई जाए, आपको परीक्षा से पहले 15 या 20 दिन का टाइम जरूर मिलने वाला है दोस्तों, ये निश्चित रूप से मान लीजिए आपको 15 या 20 दिन का टाइम जरूर मिलेगा। अगर आपकी परीक्षाएं कभी भी करवाई जाती है, जैसे आप टेंशन ले लेते हो कि आप हमारी परीक्षाएं करवाई जाएंगी, हमारा टाइम टेबल जारी नहीं हो रहा, ना ही हमारी परीक्षा की तिथियां घोषित हो रही है, क्योंकि हमें बाद में तैयारियां भी करनी है, तो आपको तैयारी के लिए कम से कम 15 या 20 दिन का टाइम निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसी के बाद दोस्तों बात करें, जैसे कि राजेश पायलट राजकीय कॉलेज में जुलाई माह में बिना परीक्षा दिए सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए 900 छात्र छात्राओं को अब परीक्षा देनी होगी। कॉलेज आयुक्तालय की ओर से इनकी परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पहले प्रमोट और अब परीक्षा के निर्देश से ये छात्र छात्राएं हो सकते हैं छात्र। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए कॉलेजों में फर्स्ट ईयर व सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश दिए। और दोस्तों आप में से अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, जो भी यह वीडियो देख रहा है, और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके मन में भी एक तरह से जैसे काफी अपडेट आ रहे हैं, उनमें कई बार जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको भी बोल दिया जाता है कि आपके भी पेपर होंगे, तो आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा आपके पेपर बिल्कुल नहीं होने वाले। आपको जनरल प्रमोशन दिया गया है, जनरल प्रमोशन में किसी के भी पेपर नहीं होने वाले, आपको सीधा ही प्रमोट कर दिया गया है सेकंड ईयर में। और जैसे आपके मतलब कि एक तरह से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही हो आपके मन में, तो आप सभी को मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि आपकी पेपर बिल्कुल भी नहीं होने वाले दोस्तों, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। इसी के साथ दोस्तों आप आगे और पढ़ सकते हो, जो मतलब कि बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में प्रमोट होने से अधिकांश छात्र छात्राएं खुश थे, लेकिन अब 2 दिन पहले ही कॉलेज आयुक्तालय ने आदेश जारी किया कि प्रमोट हुए सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं की 15 सितंबर से परीक्षाएं
शुरू होंगी। यह आदेश आने के बाद राजेश पायलट राजकीय कॉलेज में सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए 900 छात्र छात्राओं को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में जाना समाप्त हो गया। अब इन्हें परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। आदेश आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी अपडेट जो कि आ रही थी बांदीकुई की तरफ से राजकीय, जो दोस्तों जो कॉलेज थी यहाँ पर राजेश पायलट राजकीय कॉलेज बांदीकुई, इसकी तरफ से ये बड़ी अपडेट आ रही थी क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट थे सेकंड ईयर के वो 900 स्टूडेंट थे जिनकी परीक्षाएं होने वाली थी। और वैसे आप सभी को मैं बता दूं जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे वो फाइनल ईयर की तैयारियों में जुट गए थे लेकिन फिर से उनको सेकंड ईयर में आना पड़ रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये मतलब एक तरह से प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रही है जो भी स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, क्योंकि और एक बड़ी बात और बताऊं दोस्तों आप सभी को, जो सेमेस्टर के स्टूडेंट है जैसे आप मान लीजिए जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनको प्रमोट नहीं किया गया तो आ तो गए वो फिफ्थ सेमेस्टर में क्योंकि वो जैसे लास्ट फाइनल ईयर का रहता है तो फिफ्थ सेमेस्टर में आ गए, लेकिन उनको दोस्तों सेकंड ईयर के पेपरों की वजह से उनको थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ रहा है। जैसे आप मान लीजिए जैसे ये फाइनल ईयर है इसमें आपको जैसे कॉलेज वाले होते हैं उनको फाइनल ईयर कंप्लीट करवानी होती है, इसी के साथ जो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर है वो कंप्लीट करवाना होता है। लेकिन आप सभी छात्रों को मैं बताना चाहूंगा वहां पर थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा ही करवाई जा रही है, यानी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सिक्स, यानी मतलब कि इसमें काफी टाइम जाने वाला है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करना साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा नया कंटेंट लेकर, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।